नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आपका स्वागत है हमारे वृंदावन के व्लॉग पार्ट टू के अंदर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। यहाँ पर भाई साहब इतनी सारी भीड़ थी, लेकिन हमने भीड़ को चीरते हुए यहाँ पर बांके बिहारी जी के किए दर्शन। बांके बिहारी के मंदिर से राधा रमन जी के मंदिर जाते हुए बीच की जितनी भी गलियां हैं सब में इतनी इतनी भीड़ है, भारी भरकम भीड़। जहाँ देखो भीड़ भीड़ है पीछे। वहाँ के बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए राधा वल्लभ जी के मंदिर। यहाँ पर भी भाई काफ़ी भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। यहाँ पर हमने काफ़ी देर भाई नृत्य वगैरह किया, बैठे यहाँ पर सुकून वगैरह लिया। सबसे ज़्यादा हमने स्पेंड इसी मंदिर में समय किया था। हम सब तो भाई खुश थे इस मंदिर में दर्शन पा करके, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा बहुत खुश हो रहा था। ये तो अकेला ही भाई अपने ही मस्ती में झूम रहा था, और बाकी सब भी क्या भाई झूम रहे थे, क्योंकि भगवान जी के दर्शन मात्र से जो तृप्ति मिल रही थी वो और कहीं नहीं मिलने वाली थी। अभी हम राधा वल्लभ से राधा रमन जी मंदिर है उनकी तरफ जा रहे हैं। बाकी वाले पता नहीं कहाँ हो गए, वो अलग अलग जगह खो गए, और हमने तो मुख्य सड़क मैंने और संगीता ने पकड़ ली और हमने रिक्शा करके वहाँ जा रहे हैं राधा रमन जी। मतलब यहाँ पर ज़्यादा किसी से पूछे तो वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि भाई कोई कहते हैं मंदिर कितने बजे बंद होता है कितने बजे। लगभग सारे मंदिर 12 बजे बंद होते थे। यहाँ पर सारे लोग एक सिस्टम बढ़िया है, माला माला जपते जा रहे हैं, ये सिस्टम सबसे बढ़िया है। और बाकी वाले ये मंदिर है राधा रमन जी का। यहाँ की जो प्रतिमा थी उनके सामने बैठ करके कर रहे थे भाई मधुर भजन। तो प्रगात जी ये तो पहले ही बैठे थे यहाँ से, तो हम भी बैठ गए इनके पास और भाई भजन के लिए हमने आनंद और काफी देर सुनने के बाद फिर तभी हम पहुँच चुके हैं यमुना जो घाट है वहाँ पर। और यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर इस पानी के अंदर इतनी सारी गंदगी फैला रखी है, लोगों ने इतनी सारी गंदगी फैला रखी है कि यहाँ मन नहीं होता कि इस पानी को छुआ जाए। लेकिन ये हमारा कितना पवित्र पानी है, फिर भी इसको रह नहीं जाता कि इसको पानी को छुआ जाए। ऐसा इस पवित्रत्व को मानते हुए कह सकते हैं, लेकिन इतनी लोगों ने यहाँ पर इतनी गंदगी करी, इतनी सारी, ये देखो ये वाले सीधे इतनी सारी गंदगी पूरी डस्ट, इतनी सारी गंदगी है, फिर भी हम इसको पवित्र है तो इसको कुछ करते हैं। फिर हमने ले लिए ये वाले गोले और काफ़ी समय के बाद गोले खा रहे हैं, गोलू भाई से खा रहे हैं गोले भी गोलू भाई से, और ये भी गोले खा रही है। हम वृंदावन के जितने भी धाम हैं दो मंदिरों को सिर्फ छोड़ करके सभी मंदिरों के दर्शन करके आ गए, एक तो इस्कॉन मंदिर और एक प्रेम मंदिर, कि उनको वो मंदिर है उनको शाम को जाएंगे। तो अभी चलते हैं वापस रूम के। अभी शाम को बजने का है 5 और अभी हम आ गए थे दिन को सारे दर्शन वगैरह करके, यहाँ पर खाना वगैरह खाया, उसके बाद करा आराम, और अभी वापस तैयार हो गए क्योंकि भाई 12 बजे के बाद क्या होता है 1 बजे के बाद लगभग सारे बंद हो जाते हैं, उनके कपाट बंद हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम तैयार हो गए सारे के सारे और अभी निकलने वाले। अभी हम जाएंगे पहले मथुरा और फिर संध्या के समय आएंगे हम प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। बाकी वाले भी हो गए तैयार और ये बाकी वाले, ये अभी तक इसका श्रृंगार चल रहा है अभी तक। और अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ, गाड़ी थोड़ी वगैरह ठंडी वगैरह हो रही, छाया में उसको लगा दिया। ये बहू यहाँ बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कब से ही। अभी हम आगे हैं यमुना घाट पर और यहाँ पर हमने शुरू की बोटिंग वगैरह। तो यहाँ पर हम तो आगे इस बोट के अंदर सिर्फ 3 ही बैठे हैं, कोई आया ही नहीं बाकी वाला, क्योंकि मशीन वाली थी वो तो सारी ज़्यादा पैसे ले रहे और वो तो फ्री ही नहीं, पता नहीं बुकिंग का ऐसा कुछ सिस्टम है। और ये वाली मिली है तो इसमें हम सिर्फ 3 ही बैठे अभी तक, तो और इसको अभी रवाना करेंगे। यमुना घाट का पानी इतना मतलब ये है पवित्र, लेकिन लोगों ने इसको बहुत गंदा कर रखा, अभी भी बहुत सारे गंदे लोग मतलब कर रहे और गंदगी फैला रहे। हम यमुना नदी के अंदर हमने नाव लेकर के बोटिंग वगैरह कर रहे थे, तो एक जो भाई मिले थे वो ही मतलब यूट्यूब के द्वारा शौकीन है, कह रहे हमको इंस्टा पे फॉलो कर लो और हम आपको लाइव दिखाएंगे। और हुआ बीच में ये सीन कि एक हमें मिल गई मोटर वाली वो, तो उसको पीछे पकड़ कर ऐसे खड़े थे, उसको बोल दिया अलविदा और ये हमें एक और राउंड लगा के फिर वहाँ तक लेके जाएंगे। राधे राधे गाते रहना भैया लोग, और यमुना तट जल्दी जल्दी आते रहना भैया लोग, यमुना तट वो आते हैं जिनको जमने मारा नहीं, बाकी बिहारी बुलाते हैं और बुलाते हैं तो सारे काम मनोकामना सफल पूर्ण हो जाती है। बोलो राधे राधे राधे। ये हमें भाई मिले हैं जो वोटिंग वाले हैं, इतने कूल भाई है कि ये गाने में मस्त है, अपने में पूरे मस्त है, हमें एकदम आराम से बिल्कुल वोटिंग करवा रहे, बिल्कुल भी
शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से मस्त तरीके से। हम बबलू भाई बबलू निषाद मथुरा विश्राम घाट से, जो भी आते हैं गुजराती आते हैं वैष्णव आते हैं पंजाबी आते हैं मराठी आते हैं ये फॉरनर आते हैं उनसे उसी तरह काशी ठाकुर जी की कृपा से बात करते हैं, उनके मन को उनके सबको कोमल खुश करते हैं। तो हमारा नाम बबलू बिजवासी केवट, अभी ये अभी गुजरात से होते तो हमें इनकी से कहते कि तमें कहाँ से आए बचो भाई, कि तमें राजकोट जूरत भावनगर जामनगर, तो हमें बोलते हैं कि जय श्री कृष्णा। तो ये आए राजस्थान से, तो हम इनको कह रहे राधे राधे गाते रहना और जल्दी जल्दी मथुरा वृंदावन आते रहना, तो हम इनको राधे राधे बोल रहे हैं एकदम क्लीन राधे राधे। यमुना जी में नाव की यात्रा करने के पश्चात हम पहुंच गए द्वारिका मंदिर में। यहाँ पर भाई किए अच्छे से दर्शन, ये भाई द्वारिका मंदिर जो द्वारका का मंदिर है उसी के तर्ज पर बना हुआ है। और उसके बाद हम पहुंचे श्री कृष्ण जन्मभूमि भी, और यहाँ पर पहुंचे यहाँ भाई साहब इतनी सिक्योरिटी थी हाई लेवल, क्योंकि यहाँ पर एक दो बार हमला भी हो चुका है, तो यहाँ पर घड़ी से लगा कर के पर्स कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाता है। फिर हम पहुँच गए यहाँ पर इस गेट पर, इसका भाई शाम का क्या ही नज़ारा था। हम आए थे यहाँ पर प्रेम मंदिर, लेकिन ये थोड़ा हो गया जल्दी बंद, ये 8:30 ही बंद हो गया। अभी हमारे यहाँ आने में लगभग बज गए थे 10, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ दरवाजे पास आए तो हमने सिर्फ फोटो खींचने का परमिशन दे दी, और तो कुछ परमिशन मिली नहीं अंदर जाने की, तो लेकिन दरवाजे के अंदर थोड़ा जाने दिया बस, बाकी वाले वहीं खड़े उनके पास चलते। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे जल्दी, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। तो जल्दी मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।